मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। सोशल मीडिया में एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है जिसमें कलेक्टर साहब को कोरोना नियम का पाठ पढ़ाते हुए देखा जा सकता है, लेकिन ये कलेक्टर साहब इंसानियत का पाठ भूल गए थे और दवा लेने जा रहे एक लड़के को थप्पड़ मार दिया। यही नहीं, कलेक्टर साहब के तेवर सातवें आसमान पर थे, लड़के का मोबाइल भी पटक कर तोड़ दिया। पूरा मामला छत्तीसगढ़ के सूरजपुर का है। तस्वीरों में दिख रहे ये जनाब सूरजपुर जिले के कलेक्टर रणवीर शर्मा है। शनिवार 22 मई को सड़क पर खुद उतरकर लॉकडाउन के नियम का पाठ लोगों को कलेक्टर साहब पढ़ा रहे थे। इसी दौरान सड़क पर एक लड़का कलेक्टर साहब से मिला और कलेक्टर साहब ने लड़के से बाहर निकलने की वजह पूछी। लड़के ने बताया दवा लेने आया था, पर्ची भी दिखाई, मगर कलेक्टर साहब तो कलेक्टर साहब हैं, लड़के को थप्पड़ मार दिया। इतना ही नहीं, डंडे से भी लड़के को पिटवाया। वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया में और ट्विटर पर कलेक्टर साहब की बड़ी ही लानत मलानत हो रही है। लगातार लोग ट्विटर पर कलेक्टर रणवीर शर्मा को हटाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि बाद में मामला बढ़ता देख कलेक्टर रणवीर शर्मा ने खुद वीडियो जारी किया और अपनी गलती मानी, और ये गलती इन जनाब को इतनी भारी पड़ गई कि कलेक्टर रणवीर शर्मा को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। मगर सवाल उठता है कि आखिर लॉकडाउन के नियम पालन के नाम पर पुलिस आखिर कब तक इस तरह की पिटाई करेगी? जो लोग सड़कों पर बेवजह घूम रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई भले करें, लेकिन जो लोग ज़रूरत से निकल रहे हैं, जो दवा लाने जा रहे हैं या और किसी अन्य आवश्यक काम से जा रहे हैं, उन्हें पूछकर उन्हें जाने दिया जाए। लेकिन अक्सर वीडियो सामने आती है कि सब कुछ बताने के बावजूद भी पिटाई कर दिया जाता है। आप भी देखें कलेक्टर साहब के तेवर। बस चलो बाहर मत निकलना। कौन सा टेस्ट करने का है? ऐसे वो दादी का दे गया था, नहीं तो नहीं निकलते हैं वैसे हम लोग घर से बाहर, इसीलिए नहीं ये भैया कहाँ गए? भैया मोबाइल पे देख लीजिए।